हे बेटी लक्ष्मी, कहिए सासू माँ। आज मैं ये क्या देख रही हूँ कि आज तू मुझे उदास नजर आ रही है। ऐसी कौन सी बात हो गई जो तूने अपना ये ऐसा हाल बना रखा है? सासू माँ, हाँ, आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा दिल घबरा रहा है सासू माँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन तू ऐसी बात क्यों कर रही है? आज बुरा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सासू माँ, जब से मेरे पति घर से गए हैं, ना तो उन्होंने कुछ खाया है और ना ही कुछ उन्होंने पिया है। मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी को भेजकर मेरे पति का पता लगवाइए। सासू माँ, वो कहाँ है, किस हालत में है? तू तो ऐसे ही परेशान हो रही है। मेरा बेटा हकीकत पढ़ने के लिए गया है और अभी कुछ टाइम के बाद आने वाला है, तो चिंता मत कर और सुन मेरी बात। कहिए सासू माँ। केटो होवे बहु हो काया, खोवे बहु नहीं, मत रोवे बहु तेरा बाल में आ। रात से जो दुख बीत्या मने, ऐसा दुख सहा नहीं। तू आने की बात कर है, वो आने को गया नहीं। तू आने की बात कर है, वो आने को गया नहीं। फिर मन के मिली लड़के होंगे, हाँ, कहीं गेल में बैठा होगा। एक उम्र और एक सबक के वजन तोल में बैठा होगा। हेरी ओका वक्त मदर से का कहीं मेल जोल में बैठा होगा। परम आदरणीय जगदीश जेलदार साहब, वो भी इस रागनी पर 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए साथियों, क्या बताया दूसरी बात के बाद हमसे? आड़ू जैन जी, वो भी 500 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, जैन साहब के लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए क्या बता दिया। हे
सासू माँ, आप कहती हो कि आपका बेटा आकर मेरे लाड़ लड़ाएगा, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इस दुनिया में पहले कोई भी नहीं था और अब मेरे पति इस दुनिया में मेरे हैं, लेकिन पता नहीं सासू माँ, दिल कुछ ऐसा कह रहा है कि आज वो मुझसे कहीं दूर जाने वाले हैं, शायद वो मेरा लाड़ नहीं लड़ा पाए सासू माँ। लेकिन बहू, तू अपने आप को तो परेशान कर ही रही है, साथ में मुझे भी परेशान कर रही है। मेरा बेटा कहीं दूर नहीं गया, वो आने वाला है। मैं आपको तो परेशान नहीं कर रही हूँ सासू माँ, लेकिन मेरा दिल कुछ ऐसी गवाही दे रहा है, जिन बातों को मैं आपके सामने रख रही हूँ, सुनिए मेरी बात। कहिए अपनी बात। पढ़ के सब घर में आगे, इसमें है कोई गहरी चाल, चूड़ी चटकी मोती टूटे मैं हो गिरा डाकी ढाल, चूड़ी चटकी मोती टूटे मैं हो गिरा डाकी ढाल। पैर मुखड़ा धोले, हाँ। थोड़ा गर्म चढ़ा ले नीर, वार वार मैं पानी पियो जब बैठोगे भारत वीर, वार वार मैं पानी पियो जब बैठेंगे भारत वीर। हंस खेले बहु हो मिले मेली बहु, बढ़े बेले बहु धन्य है राजेंद्र जी की टोरनी से लोहिया साहब, वो भी 5 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। राजेंद्र लोहिया जी की टोरनी से बार बधन करते हैं, आइए साथ क्या बताते हैं। सासू माँ, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप जल्दी से जल्दी मेरे पति का पता लगवाइए, पता नहीं वो किस हालात में है सासू माँ। हेलो हेलो। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है लक्ष्मी, मैं तुझे बार बार एक ही बात समझा रही हूँ कि तू बार बार एक ही बात मत कह, मेरा बेटा आने वाला है और मेरे बुढ़ापे का तो मेरा बेटा ही सहारा है। आप कहती हो कि आपका बेटा आने वाला है, हाँ। लेकिन सासू माँ, रात मुझे ऐसा सपना दिखा, मुझे डर है कि कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए, सुनिए मेरी बात। लेकिन बेटी, सपने कभी सच्चे नहीं होते। लेकिन कुछ सपने सच भी हो जाते हैं सासू माँ। लेकिन ये सपना सच्चा नहीं है, मेरा बेटा आने वाला है, अपनी बात कह सुनिए। Oh,
कुसान भूखा जब से घर से निकला उसी घड़ी ते लगी रोन के तन पे बीती होगी पता पति का ल्यावे कौन के तन पे बीती होगी पता पति का ल्यावे कौन तेरी राम बिठावे सिंहासन पे हा? उसके तरने वाला कौन हा? जो फूलों की रहे सेज पे उसके डालने वाला कौन तेरे जिसका बेरी सपने में ना उसके मारने वाला कौन वो जिसका बेरी सपने में ना उसके मारने वाला कौन पर रंग बहु ना हो तंग बहु बह गंग बहु हमें सवेरे आदरणीय के जाटव जी वो भी 200 रुपए सम्मान करते हैं बार बधन करते हैं। आइए साथियों क्या बता दिया आप कहती हो कि मेरा पति मुझे गंगा जी नहला के लाएगा हाँ लेकिन सासु माँ मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी किस्मत में अपने पति के साथ गंगा स्नान करना नहीं लिखा हो। पहले मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया और मेरा पिता भी मुझे छोड़ के चला गया। अब मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरे पति ना चले जाए मुझे छोड़ के सासु माँ। लेकिन बेटी लक्ष्मी तू तो बार बार एक ही बात कह रही है कि मेरे पति मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। हाँ सासु माँ लेकिन ऐसा नहीं है, तेरा पति तुझे छोड़ के नहीं जाएगा, वो वापस जरूर आएगा। क्या आप सच कहती हो सासु माँ? और हम सबको गंगा में नहवा के जरूर लाएगा। मेरी बात सुनिए सासु माँ। कहे अपनी बात। लिखाया गोनिया बाप मरया और भाई मर गया सुख पीहर में पाया गोनिया पढ़ने को गया था पति वो भी आज लाया गोनिया पढ़ने को गया था पति वो भी आज आया गोनिया तेरी आप रोवे याद करके हमें भी रुआवे बहु आस लगा ले परमेश्वर ते जल्दी घर आवे बहु इस घर के कलेश ने आज हकीकत मिटावे बहु इस घर के कलेश ने आज हकीकत मिटावे बहु मत बिलक बहु होकर ले तिलक बहु बड़ी मिला के बहु पी रूबी धन्यवाद।